हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, वो भी तब जब तू अपनी माँ का विश्वास तोड़ चुका है। हमें अंधेरे में रखकर इस छोरी से चोरी छुपे मिलता रहा है, जिससे हमें बेहद नफरत है। मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं झूठ ना बोलूं, मैं सुधर जाऊंगी। मुझे बस एक आखिरी मौका दीजिए प्लीज। माँ, मैं जानता हूं कि आप लवली से नफरत करती हैं और इस नफरत की वजह भी जानता हूं, पर माँ आपको अपने बेटे पर भरोसा है ना? आप जानती है ना मैं हमेशा सच बोलता हूं, आज भी मैं आपसे सच ही कहूंगा। मैंने लवली से प्यार कोई सोच समझ कर नहीं किया, ये तो बस हो गया। हमें पता ही नहीं चला कि कब और कैसे हो गया, और हमें अपने सबसे लाडले बेटे से ये आशा नहीं थी। हमारा गुड्डू तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर इसी छोरी ने हमारे गुड्डू को अपने जाल में फंसा लिया होगा। अपने आप में ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस छोरी में संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। इसको देखो तो सही, इस रिश्ते की बातचीत करने के लिए अपने माँ बाप को भेजने के बजाय खुद चली आई है। देख गुड्डू, सब लोग हमें देख रहे हैं, हम इस मंदिर में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते। गुड्डू, अगर तू अपनी माँ की इज्जत करता है ना, तो इस छोरी के बारे में सोचना छोड़ दे। इससे ब्याह की बात भूल जा, अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो ये झूठी छोरी या फिर तेरा अपना परिवार। भई हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी मासा वो लड़की को पसंद कर ले, तो सब ठीक ठाक हो जाए। देख लेना दाद जी, ऐसे ही होगा। अब तक तो मम्मी जी लवली से मिल भी चुके होंगे, पता नहीं उसको देखकर मम्मी ने कैसा रिएक्ट किया होगा। हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं। ठीक है बेटा। देखो भाई, सब लोग गैना बहू से उसी तरह का व्यवहार करना जैसे कुछ भी ना हुआ। और बेटा उत्कर्ष, परेशानी के समय पत्नी का साथ देना चाहिए, समझा बेटा? ओ जी, मासा भी आ गई।
चलो चलो जाओ ऊपर जाके खेलो, बहुत हो गया। हाँ इस घर में कोई हमें पानी पिलाएगा? ओए नहीं मम्मी जी, ये है, बस एक मिनट। माँ साहब चाय। बिंदेश्वरी जी आप चुप क्यों हैं? देखिए सबके कान और आंख आप ही की तरफ लगी हुई है, सब जानना चाहते हैं कि वहां हुआ क्या। हमने लड़की नापसंद कर दी है। वो हमारे कार्तिक के लायक नहीं है। मैंने तो पता ही था कुछ तो गड़बड़ होगी। लो जी हो गई। अरे लेकिन आखिर वो कार्तिक की पसंद की लड़की थी ना, तो फिर आपके नापसंद करने की वजह क्या है? हम अपना फैसला सुना चुके हैं और हम नहीं चाहते कि इस बारे में कोई भी हमसे प्रश्न करे। और हम ये भी आशा रखते हैं कि परिवार का हर सदस्य हमारे इस फैसले पर भरोसा रखे। आखिर बात क्या है? विदेश्वरी को कार्तिक की पसंद की लड़की सही क्यों नहीं लगी? मुझे पता था कि तुम्हारी मॉम मुझे कभी नहीं अपनाएगी, और ठीक भी तो है, मैं हुई इसी लायक। तेरा कुछ नहीं हो सकता लवली, तू बहुत बड़ी झूठी है, झूठी। भगवान के मंदिर में झूठ बोलने वालों का ना यही अंजाम होता है। लवली ये कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वैसे आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। कार्तिक तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तुम्हारी मॉम के सामने मैंने अपने प्रश्न खुद ही बिगाड़ा है। कार्तिक अब क्या होगा बोलो ना। मैं अपनी माँ को नहीं मना पाया, हमारे सारे सपने टूट गए। कार्तिक ऐसे मत बोलो, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? नहीं, हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे। लवली तुम मेरी माँ को नहीं जानती, वो नहीं मानेगी। कार्तिक यहाँ देखो, मैं तुम्हें इतने साइन से खो नहीं सकती, और तुम देख लेना कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। इस रिश्ते की बातचीत करने के लिए अपने माँ बाप को भेजने के बजाय खुद चली आई है। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहिए, एक बार अगर वो लोग मान गए तो वो माँ को राजी कर लेंगे। बिल्कुल, अगर तुम्हारी मॉम मेरे घर के किसी बुजुर्ग से मिलना चाहती है तो मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या करना है मतलब? क्या सोच रही हो तुम? कार्तिक तुम फिक्र मत करो, मैं जो भी करूंगी ना हम दोनों के अच्छे के लिए करूंगी।
और देख लेना, तुम्हारी मॉम मुझसे इंप्रेस हो ही जाएंगी। लवली तुम फिर से किसी झूठ का सहारा मत लेना। कार्तिक तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लवली मैंने अपनी बहुत अच्छी सहेली से तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं और खानदान भी ऊंचा है। भाई उस दिन तुम्हारे सामने ही हमने प्रभु महेश्वरी से उनके बेटे राहुल के रिश्ते की बात चलाई, जिस पर उन्होंने अपनी मुख सहमति भी दी थी। फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? बात तो आपने की थी लेकिन आगे नहीं बढ़ाई। क्या आपको महेश्वरी जी को इस बारे में याद नहीं दिलाना चाहिए? खैर इसमें आपकी भी क्या गलती है, आप नेता हैं, व्यस्त रहते हैं। व्यस्त तो मैं भी रहती हूँ लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने की जिम्मेदारी तो निभानी होगी। सो मैंने कोशिश की जो कि शायद आपको करनी चाहिए। अरे मैं अगर भूल गया था तो तुम मुझे एक बार याद नहीं दिलवा सकती थी? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि आपके पास अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके भविष्य के लिए बिल्कुल समय नहीं है? आप लोग झगड़ना बंद कीजिए प्लीज और मेरी बात सुनिए। मेरे रिश्ते के बारे में आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने लिए किसी को पसंद कर लिया है। कौन है वो? क्या करता है? मतलब कितना बड़ा आदमी, कितने 100 करोड़ का आसामी है, फैमिली कैसी है? चलो इसी बहाने मेरी बच्ची का मुंह तो खुला। चुप क्यों लवली? हाँ बताती क्यों नहीं, बोलो ना। तुमने ऐसे कैसे किसी को भी पसंद कर लिया? डैड आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जब आप खुद उस लड़के से मिलेंगे। अगर आप लोग कहें तो उसे कल लंच पे बुला लूं, आप लोग उससे मिल भी लेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद पे आपको कोई एतराज भी नहीं होगा। प्लीज डैड मॉम। ठीक है कल लंच पे बुला लो उसे। श्योर डैड मुझे पूरा यकीन है कि उससे मिलने के बाद आप लोग यही कहेंगे कि लवली के लिए इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। चुप हो जाओ। जब नई चाची आएंगी ना तो सारी बातें नई चाची से कर लेना। अभी अपना खाना फिनिश करो फटाफट। कार्तिक एक मिनट।
बेटा मंदिर में हुआ क्या था? तेरी माँ इतने गुस्से में थी और कह रही थी कि उन्होंने वो लड़की के लिए मना कर दिया। देख बेटा, मुझे सब कुछ सच सच बता दे, हो सकता है कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। पापा वो ठीक है, तू बात कर ले, मैं तेरी मां को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करता हूं। हेलो कार्तिक। हाँ सुनो, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। इंतजाम? कैसा इंतजाम? अरे बाबा, मैंने मॉम डैड को कल तुमसे लंच पे मिलने के लिए राजी कर लिया है। ओह। बस कल तुम शाम 3 बजे घर पहुंच जाना। चलो तुमने ये तो कर लिया, अब बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद आ जाऊँ। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। अपनी लवली की पसंद को वो मना कैसे कर सकते हैं? वो जानते हैं कि लवली की पसंद हमेशा A1 होती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं ठीक समय पर तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बाय। ओके बाय। सुनिए, देखिए साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके कहने से गुड्डू की पसंद की छुरी के लिए जो हमारी ना है वो हाँ में बदल जाए, तो मेहरबानी करके आप हमसे कोई बात मत करिए। मैं खुद को बहुत तुर्रम खा समझती थी, सोचती थी मैं सब कुछ जानती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस था मुझे, कार्तिक की मॉम को मैं यूं इम्प्रेस कर दूंगी, उनसे हाँ कलवा के रहूंगी। लेकिन देख लिया क्या हुआ, और वो कार्तिक उसकी मॉम के सामने उसका मुंह तक नहीं खुला, और उससे बढ़कर मेरे मॉम डैड मेरी समस्या सुलझाने के बदले खुद आपस में झगड़ा करने लगे। मैं तो बस तंग आ गई हूँ अपने मॉम डैड से। लवली 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 शांत हो जा, और तुझे तो पता था ना कि कार्तिक की हिटलर माँ को मनाना टेढ़ी खीर है। देखिए हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि मंदिर में क्या हुआ और आपने उस लड़की को पसंद क्यों नहीं किया। हमें तो ये लग रहा है कि आपने बेवजह गुड्डू की पसंद को ठुकरा दिया। देखिए जो हुआ सो हुआ, वैसे भी सा जब आप कुछ जानते ही नहीं तो हमारा फैसला बदलने की कोशिश भी मत करिए। वैसे भी सा हम बहुत परेशान हैं। पिंदेश्वरी जी, अगर आप हमें बता देंगी कि आपने उस लड़की को क्यों नापसंद किया तो इसमें हर्ज क्या है? हमसे अपने बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता, आखिर वो लड़की गुड्डू की पसंद है, उसका प्यार है वो, और कोई भी उसी के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। देखिए हमारी तरफ देखिए, आपने हमेशा यही चाहा है कि आपके सारे बच्चे खुश रहें, और गुड्डू तो आपका लाडला है, आप उसके साथ इस तरह बेरहमी से क्यों पेश आ रही हैं? इसलिए कि जिस छोरी से गुड्डू ब्याह करना चाहता है वो वही माँ झूठी छोरी लवली है, जिसने हमारे गुड्डू के चरित्र पर लांछन लगाया, तान्या के माता पिता के सामने हमारा अपमान किया। अब आप ही बताइए सा, जवाब दीजिए, अब हम अपने गुड्डू के साथ क्या बेरहमी से पेश आ रहे हैं? क्या हम उस झूठी छोरी के साथ अपने गुड्डू का ब्याह कर दें?